उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड सहित 5 राज्य के आए विधानसभा चुनाव ने बीएसपी को काफी नुकसान किया है। इसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी के सामने कई सारी चुनौतियां खड़ी हो चुकी है। इसी बीच आपको बता दें कि आगामी कुछ सालों में हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीएसपी ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी के हिमाचल प्रदेश के प्रदेश स्तरीय बैठक का कार्य जो आयोजन है वो बसपा प्रदेश कार्यालय ऊना में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह बेनीवाल भी पहुंचे। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि रणदीप सिंह बेनीवाल को प्रभारी बनाए जाने के बाद वो पहली बार आए। रणदीप सिंह बेनीवाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर मजबूती से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और सभी विधानसभा क्षेत्रों में फीडबैक और बड़े मापदंड बनाए जाएंगे और इन मापदंडों की कसौटी पर खरे उतरने वाले लोगों को ही टिकट दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जानकारी है कि मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 15 अप्रैल 2022 से नई तैयारियां शुरू